हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन देखने वाले। तो आप तो जानते हो कितना ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसानी से इसे एक एक परिभाषा से एक एक एग्जांपल से बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। आक्सीकर अपचयन क्या होता है, अपचायक उपचायक और आक्सीकारक ये सब क्या होता है, ठीक है। तो एक एक शब्द बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो देखते रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बात हो रही है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो आपको यहाँ पर से पता चल रहा है रेड ऑक्स। देखो जो इसका ये शब्द है रेड, ये बना रिडक्शन से, ठीक है। रिडक्शन मतलब अपचयन, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला है ऑक्स, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, वो ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जो अपचयन और ऑक्सीकरण से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जो अपचयन और ऑक्सीकारक से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा रिडॉक्स अभिक्रिया की, कि जो रिडॉक्स मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं, अपचयन, वो रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो इसमें रेडॉक्स आया, मतलब रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो अब इसे एक एग्जांपल से पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है CuO + H2, यहाँ पर से CU बाहर निकल गया और जल बाहर निकल गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल ही हमने, इसी से आपको ऑक्सीकरण अपचयन सब समझा देंगे। देखो अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो ऑक्सीकरण होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्सी, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है। और जो आपका अपचयन होता है इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन बाहर। एक ट्रिक है कि मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में हाइड्रोजन, और इसके विपरीत कह सकते हो, जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तो पक्का हाइड्रोजन अलग होगी, ठीक है। जब अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। तो यही है, बस इतनी सी बात याद रखनी, बहुत आसान है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जैसे नाम से पता चला ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इंक्रीज होती, बढ़ती है। और अपचयन में इसमें क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। इतने पॉइंट याद रखो, बहुत ज़्यादा आसानी से आप ऑक्सीकरण अपचयन सब पहचान लोगे, ठीक है। तो देख सकते हो केवल एक एग्जांपल से पूरा समझाएंगे। देखो आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। जब अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी एग्जांपल में पूरा एक एक समझा देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। और एक चीज़ याद रखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, मतलब तीन चार चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश बढ़ता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। और जो अपचयन होता है इसमें मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें याद रखो, अभी पूरा एक एक परिभाषा समझा देंगे, ठीक है। तो आप पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे CuO + H2 है, यहाँ पर से CU बना और जल बाहर निकल गया। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे CuO है और यहाँ पे बचा CU, तो आपको क्या चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर से ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हट गया है, क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन हट गया। और यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन कहाँ गया आपका, ये ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे H2 का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हो CuO से बचा CU, मतलब हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन अलग हो, हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन क्या हो, अलग हो, तो उसका क्या होगा, अपचयन। तो ये हो गया आपका जाके रिडक्शन, ठीक है। तो ये CuO का CU में क्या हो रहा है, रिडक्शन, CuO का CU में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप देख सकते हो CuO का CU में हो रहा है रिडक्शन। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा आसान है। देखो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का काम है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, या उसमें विपरीत कह सकते हो, हाइड्रोजन अलग हो जाए, और जिसमें ऑक्सीजन हटे उसे क्या कहेंगे, आप अपचयन कहेंगे, या हाइड्रोजन जुड़ जाता है या ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, देख सकते हो आप। देखो जैसे ऑक्सीकरण संख्या की बात हो रही, तो यहाँ पे बात करें तो CU की, अगर निकाले CuO की ऑक्सीकरण संख्या, तो CU की हो जाएगी x + ऑक्सीजन की, तो आपको पता है -6 होती, तो x -6=0, तो x = क्या हो जाएगी, 6। आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी बताया गया पूरा एक एक ट्रिक से, ठीक है। तो उसका वीडियो भी पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो x = क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे CU की ऑक्सीकरण संख्या है 6, यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो CU, जब ऐसे ही लिखा रहता है मतलब कि उसमें मतलब पूरा पूरा परमाणु होता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप H2 की क्या होगी, यहाँ पे 0, क्योंकि पूरा पूरा H2 लिखा है, तो इसकी क्या होगी, 0। यहाँ H2O की देखते हैं, H2 की निकालनी, तो H को मान लो x, तो 2x -6=0, ठीक है। H की हो गई, H की,
तो देख सकते हो आप यहाँ पे H2O की ऑक्सीकरण संख्या है 0 और यहाँ पे जाके बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। देख रहे हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गई। और यहाँ पे देख सकते हो 6 था, यहाँ पे हो गई कॉपर की 0। जब यहाँ पे 0 हो गई तो 6 से 0 हो रहा है तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो उसका अपचयन होगा। और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कम होगी उसका ऑक्सीकरण होगा, सॉरी जिसका जिसमें कम होगी उसका रिडक्शन होगा, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका क्या होगा, जिसमें बढ़ेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एक एग्जांपल से और देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आपको एक एग्जांपल और समझाएंगे जिससे पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युती परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मतलब कोई भी ऋण विद्युती माइनस परमाणु कोई भी जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युती परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या आप इसके विपरीत कह सकते हो हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, अलग हो रहा हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और इसमें क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, मतलब धनावेश जो होता है बढ़ता है। मतलब इधर अगर धनावेश का मैं इधर बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया उसका। ठीक है, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। एग्जांपल में आपने अभी देखा और दिखा देंगे। ठीक है, अब चेन में क्या होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत परमाणु का जुड़ना, मतलब जिसमें धन विद्युत परमाणु या कोई हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसे अपचयन कहते हैं, या इसमें क्या हो रहा हो ऑक्सीजन अलग हो रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी समझा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है निगेटिव चार्ज बढ़ता है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती जाती है। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीकरण और ये होता है अपचयन। आप देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। देखो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं अपचायक। क्या कहा गया, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं अपचायक। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है या रिडक्टेंट क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या आपसे अपचायक। अपचायक को हम उपचयन भी कहते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। अपचयन उपचयन मिलते जुलते हैं, लेकिन ये देखो अपचायक को उपचयन कहते हैं और इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। देखो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं अपचायक। ये परिभाषा पूछी जाएगी कि अपचायक क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका क्या, उसे क्या कहते हैं अपचायक। एक एग्जांपल दे दोगे ऑक्सीकरण करने का। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल बताया गया। ठीक है, ऑक्सीकरण जिसका होता है उसे क्या कहते हैं अपचायक, इसे उपचयन भी कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट इंग्लिश में। ठीक है, और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन होता है, देख लो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण उसे अपचायक। और ऑक्सीकारक वाले का एक नाम और होता है अपचायक, उपचायक। ठीक है, अपचायक का क्या होता है उपचयन और ऑक्सीकारक का दूसरा नाम होता है उपचायक। इसे ऑक्सीडिजिंग एजेंट कहते हैं या ऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका क्या हो रहा हो ऑक्सीकरण होगा उसे क्या कहोगे अपचायक कहोगे, जिसका अपचयन होगा उसका क्या कहोगे ऑक्सीकारक कहोगे। देख सकते हो जिसका अपचयन हुआ उसे क्या कहा ऑक्सीकारक। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडिजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडिजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडिजिंग एजेंट, और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने। आप देखो एक एग्जांपल इसका तो आपको करके बताई दिया, अब एक ये देख लेते हैं Cu+NO3 - U2+NO2। आप दिखाते हैं आपको, देखो आपको यहाँ दिख रहा है Cu से Cu2+, आपको क्या दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज पड़ रहा है। अभी आपको बताया गया ऑक्सीकरण में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज पड़ता है, तो देख रहे हो यहाँ पे 0 था यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका आपको यहाँ से भी पता चल गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा पॉइंट कहा गया कि कैसे आप जान सकते हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन पृथक हो रहा हो, तो इसमें तो ऑक्सीजन से आप जान नहीं पाओगे। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन हट रहा है, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन थे यहाँ 2 बचा, तो इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। मतलब आप किसी भी उससे देख सकते हो, चाहे आप माइनस प्लस वाले से देख लो। देखो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे सी यू की निकालोगे तो 0 आएगी, यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन का X+-6=-1 हो जाएगा, तो एक्स की निकालोगे तो कितना आएगा प्लस का 5, और यहाँ पे निकालोगे तो एन का यहाँ पे आएगी वही आपकी जाके प्लस का 4। ठीक है, तो देख रहे हो प्लस का 5 से हो रहा है प्लस का 4, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा ये अपचयन होगा इसका। और इसमें क्या हो रहा है सी यू यहाँ पे था और यहाँ पे सी यू 2+ हो गया, तो इसमें क्या हो रही है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 थी यहाँ पे क्या हो गई 2+ हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सी, और आपको ये समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, ऑक्सीडिजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट, बहुत नाम है इसके, लेकिन ये एक एक आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से ही आपको समझाया बहुत आसानी से। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।